गाइस मैं सिंचन पिंचन और जॉब को कब से ढूंढने जा रहा हूँ और ये लोग अवेंजर्स के साथ मजे कर रहे हैं। हल्क हल्क को तो एलिमेंटल एग मिल गया। क्या एलिमेंटल एग? ये क्या होता है? अरे बाप रे, मैंने तो सबसे ही पावरफुल गॉड का एलिमेंटल अंडा चुरा लिया है। बिल्कुल, मैंने तो उससे भी पावरफुल गॉड का एलिमेंटल पावर्स वाला अंडा चुराया। क्या ये कौन सा एग है गाइस जिसमें एलिमेंटल पावर्स है? अरे तुझे नहीं पता है फ्रैंकलिन, ये बहुत खतरनाक एग है। कैसे एग है यार, बता देना हल्क। नहीं बताऊंगा। हल्क इस एग को फोड़ के ताकतवर बनेगा। बिल्कुल, मैं तो सारे अंडों की ताकत कंबाइन कर लूंगा। कंबाइन कर लेगा? एक मिनट थोर, तेरे पास भी अंडा है? हमारे पास भी अंडा है। फ्रिकी भैया, मेरे पास भी है। वाह वाह, सब माना भी अंडा चुराया गॉड का। गाइस ये क्या चल रहा है? ये सब लोग गॉड्स की एलिमेंटल पावर्स चुरा लिए हैं। ओ माय गॉड, गॉड्स को गुस्सा आ गया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वो। हल्क हल्क ने उसका छोटा कर दिया। फ्रैंकलिन अभी देखता जा तू। ये देख, हां इस अंडे के अंदर से मुझे गॉड एलिमेंटल लावा एंड सन गॉड का सूट मिला। क्या लावा एंड सन गॉड का एलिमेंटल पावर्स वाला सूट मिला टोनी स्टार्क को? ओ माय गॉड गाइस, ये कैसे पॉसिबल है? लिटरली मैं मेरा अंडा देख तू, मैं इसमें से क्या निकालता हूं? वाओ, मेरे को तो लावा गॉड रिवेंज हल्क का सूट मिला। क्या गाइस, टोनी स्टार्क एंड डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों को ही गॉड लेवल के सूट मिल गए, वो भी एलिमेंटल पावर्स के साथ। हल्क हल्क भी अंडा फोड़ेगा। ये हल्क ने फोड़ा। ओ माय गॉड, इसके पास तो ग्रीन लावा गॉड का सूट है। लिटरली मैं टोनी स्टार्क के लावा एंड सन गॉड जितना बड़ा सूट है हल्क के पास। हल्क ज्यादा बड़ा है, मेरा सूट ज्यादा बड़ा है। खैर गाइस, यहाँ पर इन सभी के पास इतने बढ़िया बढ़िया एलिमेंटल पावर अंडे कहाँ से आए? अरे हमने चुराए, हम बहुत पावरफुल हैं। अरे वाह, मेरे पास तो स्काई गॉड हल्क का सूट आ गया। क्या गाइस, स्पाइडरमैन के पास भी स्काई गॉड हल्क का सूट है? ओ माय गॉड, अब इस थॉर के पास क्या है? उठिन की कसम, मैं भी निकालूंगा। मेरे पास तो आइस एंड लाइटनिंग गॉड आ चुका है। गाइस लाइटनिंग गॉड हल्क आ गया इसके पास, लिटरली में। ये सभी के सिंचन पिंचन, यार अपना अंडा मेरे साथ शेयर कर लो। ये क्यों करें हैं? यही हम नहीं करेंगे। बाबा साहब खुद चुरा लाए। देखो मैं भी अपना एलिमेंटल अंडा फोड़ने जा रहा हूँ। वाह, हमें तो यहाँ पर खतरनाक तरीके का मार्स गॉड मिल गया। मार्स गॉड? गाइस ये सभी के सभी एलिमेंटल पावर्स वाले गॉड के सूट को लेकर बैठे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मजा आ गया। मैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। आजाओ पिंचन और आजाओ चॉप, मजे करेंगे। गाइस यार मेरे को भी बता दो। अरे जब बताएंगे, जब तू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कराएगा। गाइस प्लीज लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, फिर ये लोग जरूर बताएंगे। तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सभी एलिमेंटल पावर्स वाले गॉड्स के अंडों को चुराने की? एक मिनट, ये कौन आ गया? ओह माय गॉड, ये क्या चल रहा है? मैं तुम सभी के एलिमेंटल गॉड्स को खा जाऊंगा और इनकी पावर्स का इस्तेमाल करके ऑल फादर एलिमेंटल गॉड बन जाऊंगा। क्या गाइस, ये तो ऑल फादर गॉड है जो बाकी के अवेंजर्स और सिंचन पिंचन चॉप के एलिमेंटल गॉड्स को खा रहा है। देखिए, अरे आप फ्रैंकलिन हमारे एलिमेंटल गॉड्स को बचा। फ्रैंकलिन भैया, वो तो खा गया, हम मर जाएंगे। क्या तुम मर कैसे जाओगे? क्योंकि हम अपने एलिमेंटल सूट से कनेक्टेड है। देख वो कितना बड़ा हो रहा है, उसने हमारी पावर चुरा लिया। फ्रैंकलिन, अगर तूने हमारी पावर हमें वापस नहीं दिलाई तो हम सब मर जाएंगे। टोनी स्टार्क ऐसा मत कह। तुम सब के सब मरोगे। अब स्टॉक मेंशन ही नहीं, पूरे शहर पे मेरा कब्जा है। गाइस ये क्या चल रहा है? मैं ये क्या सुन रहा हूं? ओह माय गॉड गाइस, मैंने तो सोचा था यहां पर अवेंजर्स लकी हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन हमें बचा। नहीं अवेंजर्स, ऐसा मत करो। फ्रैंकलिन भैया, मुझे जाए जो रहा है, प्लीज भैया। हल्क हल्क मर जाएगा। हल्क का एलिमेंटल सूट वापस लाओ। ओह नो नो गाइस, ऐसा मत करो, मैं तुम सबको बचाऊंगा। गाइस प्लीज इन सभी के लिए वीडियो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक बटन भी। अवेंजर्स नो प्लीज, दोस्तों तुम सब के बिना मैं क्या करूंगा? प्लीज सिंचन उठ जा। गाइस अगर आप सिंचन से प्यार करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखना। सिंचन मुझे तेरी याद आ रही है, हम साथ में कैसे खेला करते थे भाई, उठ जाना प्लीज। गाइस ये सभी बोल रहे थे मगर मुझे इनको वापस जिंदा करना है तो मुझे एलिमेंटल गॉड्स की सारी पावर्स चुरानी होगी, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूं, इस ऑल फादर एलिमेंटल गॉड से कैसे पावर चुराऊंगा? मुझे इनकी बहुत याद आ रही है। हल्क हल्क प्लीज तू उठ जा। गाइस गाइस आप हल्क से प्यार करते हैं ना, तो हल्क को बोलो नहीं उठे। हाँ तो गाइस आज हम यहाँ से कूदने वाले हैं। बाबा सब ताला मैं कूदूंगा। नहीं मैं कूदूंगा। अरे गाइस, अरे अरे मैं कूदूंगा उस बोर्ड पे, मैं कूद के मैं जीतूंगा। अरे नहीं जीता, स्पाइडरमैन जीतेगा। हाँ स्पाइडरमैन पावर यूज मत करना। उठिन की कसम, बिना पावर्स के जीत जाऊंगा। ये कूदा। अरे नहीं मैं जीतूंगा, मैं यहाँ पर अवेंजर्स का लीडर बनूंगा जीत के। अरे बाप रे बच गया। हल्क हल्क यहाँ पर जीतेगा, हल्क उस पर कूदेगा। मैं जीतूंगा गाइस, आप देखना सिंचन युहारा जीतेगा, बिल्कुल बोर्ड पे कूदेगा। वाह वाह सिंचन युहारा जीत गया। ये क्या गाइस, सिंचन तो जीत गया। अरे अब तो सिंचन हमारा लीडर बनेगा एवेंजर्स का। हल्क प्लीज उठ जा, प्लीज मेरे भाई। गाइस ये लोग उठ नहीं रहे, मैं क्या करूं, इनको कैसे उठाऊं? मैं अकेला ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे सारे के सारे एलिमेंटल गॉड्स की पावर चुरानी होंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता इनकी पावर्स चुराते कैसे हैं, मेरे पास तो वेब बन भी नहीं है। ऊपर से ऑल फादर एलिमेंटल
एलिमेंटल गॉड ने पूरे लॉस सैंटोस और हमारे स्टार्क मेंशन पे कब्जा कर लिया है। गाइस एक मिनट में टोनी स्टार्क उठाई कर सकता हूँ। टोनी स्टार्क गाइस कमेंट में प्लीज टोनी स्टार्क से बोलो ये उठे, कमेंट में आयरन मैन ओपी लिखो ना, क्या पता टोनी स्टार्क उठ जाए। प्लीज इसके लिए वीडियो लाइक करो। हाँ तो गाइस ये देखो मेरा बर्गर, हल्क हल्क खाएगा इस बर्गर को। नहीं मैं खाऊंगा इस बर्गर को। नहीं हल्क खाएगा। अरे कोई भी खा लेना, बना तो मैं ही रहा हूँ ना। कितना बढ़िया बर्गर ना, हल्क हल्क खाएगा। मैं भी खाऊंगा यार, मुझे भी खाने देना ना। नहीं हल्क खाएगा, है हल्क मजा आएगा। प्लीज टोनी स्टार्क उठ जा, तू हमारे लिए कितना बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट करता था, तेरे बिना क्या होगा। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन अरे बाप रे। एक मिनट गाइस, टोनी स्टार्क उठ गया। गाइस आप सभी का प्यार काम कर गया टोनी स्टार्क के लिए। मेरे भाई फ्रैंकलिन ये क्या हो गया? अरे सारे एवेंजर्स कैसे नहीं उठे? क्योंकि मैं समझ गया, इस ऑल फादर एलिमेंटल गॉड की पावर्स को हमें छीनना होगा गाइस। इसलिए यहां पर सबसे पहले फ्रैंकलिन हमें इससे पहले कम से कम 4 एलिमेंटल गॉड की पावर छीननी होगी। पांचवा फिर ये ऑल फादर एलिमेंटल गॉड होगा। लेकिन पावर छीनेंगे कैसे? उसके लिए हमें हर गॉड के प्लेस पे जाना होगा और उसके अंडे को छीनना होगा, उसी के अंदर उनकी एलिमेंटल पावर होती है। ठीक है मैं तैयार हूं। टोनी स्टार्क जिंदा कैसे हो गया? निकलो यहां से। ओ नो गाइस ये क्या, ऑल फादर एलिमेंटल गॉड को पता चल गया। हम वापस आएंगे। बिल्कुल हम वापस आएंगे, अपने एवेंजर्स दोस्त को बचाएंगे। गाइस उसने हमारे एवेंजर्स दोस्तों की सिंचैन पिंचैन और चॉप की सबकी डेड बॉडीज कब्जे में ले ली है। अब तो मुझे और स्टार्क को यहां पर जब ही लौटना होगा वापस, जब हमारे पास कम से कम 4 खतरनाक गॉड्स की एलिमेंटल पावर्स के एग होंगे। बिल्कुल फ्रैंकलिन, और उन पावर्स का इस्तेमाल करके हम इस ऑल फादर गॉड की सारी एलिमेंटल पावर चला लेंगे, जिससे हमारे एवेंजर्स सिंचैन पिंचैन और जिंदा हो जाएंगे। बिल्कुल मन को जिंदा करके रहूंगा। ओह माय गॉड टोनी स्टार्क सामने देख, ये तो 3-हेडेड लावा गॉड है। बिल्कुल फ्रैंकलिन हमें इसकी लावा एलिमेंटल पावर चलानी होगी। बिल्कुल सही कहा गाइस, मेरी कार भी ब्लास्ट होगी इसके पास आती। असल में लावा गॉड बहुत ही ज्यादा गर्म है, उसी वजह से इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से मेरी कार फट गई है। और गाइस देखिए ये लावा गॉड कितना ज्यादा ऊंचा है, ये तो लिटरली में ऑल फादर एलिमेंटल गॉड जितना बड़ा है। फ्रैंकलिन जल्दी से अपने ड्रोन से चेक करते हैं कि असल में कहां पर इसकी एलिमेंटल एग वाली पावर छुप गई है। देख देख टोनी स्टार्क देख, ये एक स्पेशल अंडा है, शायद इसी अंडे के अंदर इसकी एलिमेंटल लावा पावर्स है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, तो गाइस हमें सबसे पहले लावा गॉड के ऊपर चढ़ना होगा। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, यहां पर एक टूटा फूटा जेट है, मेरे हिसाब से मिलिट्री ने जरूर इस पे हमला करने की कोशिश की और इसकी एलिमेंटल पावर चलाने की कोशिश की होगी, इसलिए ये जेट यहां पे पड़ा है। हम इसको रिपेयर करते हैं, और एक बार ये रिपेयर हो गया हम यहां पर पूरी स्पीड में ऊपर जाएंगे। गाइस बात तो टोनी स्टार्क ने सही की है, लेकिन टोनी स्टार्क अगर ये जेट फट गया तो हम अच्छी तरह से वाइब्रेनियम यूज करेंगे और बढ़िया तरीके से इस जेट को दोबारा बनाएंगे। ओके गाइस पूरे 2 से 2.5 घंटे काम करने के बाद हमने जेट पूरा रेडी कर लिया है। हालांकि इसमें कुछ काम अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे मेरे प्यारे एवेंजर्स और चॉप सिंचन पिंचन की कसम, मैं उनको जिंदा करके रहूंगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन चल जल्दी से इस लावा गॉड की एलिमेंटल एग चुराते हैं, जिसके अंदर हमें एलिमेंटल पावर्स मिलेंगी। ऑलराइट गाइस अब मैं जा रहा हूं सीधा लावा गॉड के हेड के ऊपर। तुम लोग कौन हो? इधर मत आओ, तुम्हारा जेट जल क्यों नहीं रहा है? वाह गाइस हमारा जेट देखिए जल नहीं रहा है। ओके गाइस अभी कूदने का समय आ गया है, मैं बिल्कुल इसके हेड पे कूदूंगा। ठीक है फ्रैंकलिन जल्दी कूद गया हूं मैं भी। ओके गाइस मैं भी कूद गया हूं। ओ फाइनली गाइस, अच्छा था मैं पैराशूट ले गया। ये बहुत गर्म है। नो नो अरे बाप रे मैं जल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर वेस्ट पहन के आना चाहिए था। अरे फ्रैंकलिन मैं भी भूल गया, मेरे सारे आयरन मैन के सूट असल में उस खतरनाक ऑल फादर एलिमेंटल गॉड के कब्जे में है। अरे टोनी स्टार्क मैं तो मर जाऊंगा। फ्रैंकलिन तुझे एवेंजर्स की कसम, तुझे चॉप्स एंड पिंचैन की कसम। एक मिनट ये कौन है? ओ बच्चा तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हारा आना यहाँ पर पूरी तरह से मना है। प्लीज सर हमें यहाँ पर एलिमेंटल एग चाहिए, प्लीज हमारी बात मानिए, हमारे एवेंजर्स पूरी दुनिया खतरे में, हमें उनको बचाने के लिए एलिमेंटल पावर्स चुरानी होंगी इन सभी गॉड्स की। गाइस ये अंकल तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। आइडिया ये फायर एक्सटिंग्विशर है ना गाइस, अगर इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके मैं अपने फ्रैंकलिन को पूरी तरह से आग से बचा लूं तो जरूर फ्रैंकलिन मेरा साथ देगा। फ्रैंकलिन मैं तुझे बचा लूंगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वाह गाइस फाइनली फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन प्लीज उठ जा मेरे भाई। फ्रैंकलिन यार हमारे पास टाइम नहीं है, फ्रैंकलिन तुझे उठना पड़ेगा यार। फ्रैंकलिन कम ऑन। टोनी स्टार्क टोनी स्टार्क में उठ गया, सब ठीक है ना? फ्रैंकलिन कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ पर एक रेड जायंट दद्दू हल्क है, वो हमें पीटेगा, इसलिए जल्दी से हमें यहाँ पर इस अंडे को लेना होगा। ठीक है गाइस मैं मारने वाला हूँ। ये मारा। अरे वाह फ्रैंकलिन मेरे पास तो लावा गॉड का आयरन मैन का सूट आ गया। ये क्या, मुझे तुमने इतना छोटा कैसे कर दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वाह टोनी स्टार्क यार तू तो क्या कमाल लग रहा है, लेकिन मेरे को क्यों नहीं मिली यार लावा गॉड की पावर? कोई बात नहीं है गाइस, अगली बार अंडा मैं फोड़ूंगा जिससे कि एलिमेंटल पावर मेरे को मिले। बाकी यार लावा गॉड इतना सा हो गया, चल टोनी स्टार्क अब किस गॉड की पावर चुराए हमें।
देखना पड़ेगा। हाँ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुको, अरे माफ करना लावा गॉड, हमारे लिए ये करना जरूरी था। ओके गाइस, अब जाते हैं हम दूसरे गॉड के पास। फ्रैंकलिन सामने तुझे एक गॉड दिख रहा है, ये कौन सा गॉड है? ये है फोर हेडेड अर्थ गॉड। अर्थ गॉड, ओ माय गॉड, टोनी स्टार्क वादा कर इस वाले गॉड की पावर मैं ही लूंगा एलिमेंटल वाली। अच्छा ठीक है, इसका अंडा तू ही फोड़ लियो, लेकिन पहले हमें इसकी पावर्स देखनी भी तो पड़ेंगी, असल में कहां पर वो एलिमेंटल पावर्स है जिनमें अंडा है, देखना तो पड़ेगा मेरे को। गाइस मैं यहां पर अपने ड्रोन से चेक करता हूं और बाइनोकुलर से भी। यहां पर देखिए यार, ये कितना विशाल है। एक मिनट इसके मुंह में चेक करते हैं। गाइस इधर आपको दिखे तो कुछ बताना, नहीं इधर तो कुछ नहीं दिख रहा। फ्रैंकलिन इसके दूसरे वाले मुंह के अंदर चेक कर। ओके ओके चेक करता हूं। अरे एक बाप रे गाइस, देखिए यहां पर मेरे को एलिमेंटल एग तो नहीं मिला, लेकिन एलिमेंटल पावर वाला एक ट्री मिल चुका है स्पेशल। शायद इस पेड़ पर अगर मैं अपनी गन चलाऊंगा तो इसकी पावर्स मेरे को मिल जाएंगी और अर्थ गॉड छोटा हो जाएगा। गाइस ये कितना सही मौका है। फ्रैंकलिन मैं जाता हूं, एक मिनट ये क्या, फ्रैंकलिन नहीं, अरे मैं जाल में फंस चुका हूं। फ्रैंकलिन मेरे को बचा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। टोनी स्टार्क रुक, मैं तेरे को निकालने की कोशिश करता हूं। गाइस अगर मेरे को यहां पर पेड़ कटर मिल जाए, एक काम करता हूं गाइस, क्यों ना मैं यहां पर थोड़ा सा साइड से जाके जाऊं। फ्रैंकलिन मेरे पीछे कौन है? फ्रैंकलिन देख कौन है मेरे पीछे। फ्रैंकलिन जल्दी से हट जा वहां से। करंट, अरे बाप रे ये करंट कौन मार रहा है मेरे को? ओ माय गॉड गाइस, कुछ तो गड़बड़ है यहां पर। फ्रैंकलिन अभी तेरे पीछे, अरे बाप रे फ्रैंकलिन ने तुझे पकड़ लिया। नो ये तो ग्रीन रिवेंजर हल्क है, मैं तुझे मार दूंगा, निकल जा यहां से। अरे बाप रे गाइस, अरे प्लीज ग्रीन रिवेंजर ऐसा मत कर। अरे यार गाइस मैं यहां से बाहर निकलना होगा मुझे। आप एक काम करो प्लीज, कमेंट में 80 गेमर ओपी लिखो। कम ऑन गाइस, मुझे फ्रैंकलिन को बचाना होगा, फ्रैंकलिन की जान खतरे में, वो ग्रीन रिवेंजर उसको मार देगा, अर्थ गॉड हमें छोड़ेगा नहीं। कम ऑन गाइस, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको 80 गेमर ओपी लिखना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, नहीं किया तो प्लीज गाइस जल्दी कर दो। मैं यहां पर, अरे वाह गाइस मेरे पास लावा गॉड आयरन मैन की पावर्स आ चुकी है। देखिए मैं अपनी लावा पावर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं अपने सूट से और इस पेड़ को जला दूंगा। वाह ये काम करिए, हट यहां से। अरे वाह गाइस, मैंने लिटरली में उसको एक ब्लो में मार दिया। फ्रैंकलिन तो ठीक है। वाह टोनी स्टार्क तेरे पास क्या ऑसम पावर है, मजा ही आ गया। फ्रैंकलिन अब जल्दी चलते हैं। हां बिल्कुल गाइस, अब जल्दी चलते हैं और इस अर्थ गॉड की पावर चुराते हैं। इस बार तो इसकी एलिमेंटल पावर मैं चुरा कर लूंगा। ओके गाइस हमें अर्थ गॉड के थर्ड वाले हेड में जाना है। ओके वो वाला थर्ड हेड है, जल्दी जल्दी चलता हूं। फ्रैंकलिन मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूं, सामने ध्यान से जाना। ये क्या चीज है यार, ये तो गोल गोल सी बड़ी अजीब चीज लगी। अबे फ्रैंकलिन रुक रुक रुक, ये तो बॉम्ब है। क्या बॉम्ब है? लेकिन हम रुक नहीं सकते स्टार्क, हमें आगे जाना होगा। फ्रैंकलिन गलती से भी टच मत हो जाइए, ठीक है? अरे बाप रे मैं टच नहीं हुआ कसम से, ये फिर भी फट गए, समझता हूं फ्रैंकलिन मैं, लेकिन चल मेरे भाई कम ऑन, तू कर सकता है। तुझे उस ट्री को पूरी तरह से शूट करना पड़ेगा जिससे कि तुझे एलिमेंटल पावर मिल जाए। बाकी गाइस मैं भी यहां पर फ्रैंकलिन की मदद करने के लिए अर्थ गॉड के मुंह के अंदर जाता हूं। फ्रैंकलिन तू पहुंच गया? बिल्कुल भाई मैं पहुंच गया यहां पर, अब मैं इसके मुंह के अंदर जाने वाला हूं। ओके गाइस अभी चलते हैं। ये फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूं यहां पर, और देखिए गाइस इस पेड़ में क्या खतरनाक ऑसम एलिमेंटल पावर्स हैं। फ्रैंकलिन मैं भी आ रहा हूं, बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन। इससे पहले कि अर्थ गॉड को पता चले हम उसकी एलिमेंटल पावर्स चुरा रहे हैं उसके पेड़ से, जल्दी से इस वाली पावर्स को तू ले ले। ओके गाइस इस बार यहां पर मैं लूंगा ये 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 मारा। ओके ओके मिनट गाइस, मैं तो यहां पर अर्थ गॉड हल्क बन चुका हूं लिटरली में। अरे मुझे कितना सा कर दिया, और गाइस अर्थ गॉड कितना सा हो चुका है और मैं यहां पर कितना बड़ा हो गया। वाह फ्रैंकलिन तू तो बड़ा कमाल का लग रहा है। गाइस मेरा सूट आपको कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट में रेटिंग दो 10/10 या 10/100। बाकी मुझे अभी भी अवेंजर्स और शिनचैन पिनचैन की याद आ रही है। ओके गाइस हम यहां पर एक ठंडे वर्ल्ड में आ चुके हैं जहां सिर्फ ठंडी ठंड है, क्योंकि गाइस यहां रहता है टू हेडेड जायंट रेड आइस गॉड, और मुझे और टोनी स्टार्क को इसकी भी एलिमेंटल पावर्स चुरानी पड़ेंगी, तब जाकर हमारे पास तीन गॉड्स की पावर हो जाएंगी। बिल्कुल फ्रैंकलिन जरूर इसके हेड के अंदर होंगे, वो तो तू सही कह रहा है, मैं चेक करता हूं। नहीं यार टोनी स्टार्क इसके हेड के अंदर नहीं है, दूसरे वाले हेड के अंदर चेक करता हूं। नहीं 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 यहां पर भी नहीं है, तो कहां है? फ्रैंकलिन इसके हेड के ऊपर देख, ऊपर देखूं लेफ्ट देखूं, ओ माय गॉड यार इसने तो अपनी एलिमेंटल पावर्स को जाल में बंद कर रखा है। स्टार्क अब इन पावर्स को कैसे लेंगे? पहले मैं यहां पर जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा, मुझे अपने शिनचैन पिनचैन चॉप और अवेंजर्स को बचाना है इसने। टोनी स्टार्क प्लीज मेरे को जाने दे, तू पीछे से मेरे को बैकअप दियो, ठीक है? गाइस लग रही है मेरे को, गाइस मैं तो सोच रहा था मैं यहां पे थोड़ी सी पावर वावर एक्टिवेट करके उड़ पाऊंगा। नहीं फ्रैंकलिन तू उड़ नहीं सकता, तू एक हल्क है, मैं आयरन मैन हूं, मैं उड़ सकता हूं, मेरे पास लावा गॉड का सूट है। वैसे भी मुझे ठंड नहीं लग रही है क्योंकि मेरे पास लावा गॉड आयरन मैन का जो सूट है। बहुत तो तूने सही किया स्टार्क, जल्दी जा प्लीज और उन पावर्स को लेकर आ। ओके गाइस अब यहां पर जल्द से जल्द उन पावर्स को मैं लेकर आता हूं। ऑलराइट गाइस मैं ऑलमोस्ट आइस गॉड के हेड पे पहुंच चुका हूं। ए आइस गॉड यहां पर मुझे एलिमेंटल पावर्स दे दे अपनी। क्या बोला तूने, कीड़े निकल जा यहां से प्लीज, मुझे मेरे अवेंजर्स को बचाना है, शिनचैन पिनचैन चॉप को बचाना है। नहीं टोनी स्टार्क को तू ऐसे नहीं मार सकता, नहीं छोड़ मुझे। गाइस मेरी मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही है यहां पर, ये आइस गॉड और इसका
वर्ल्ड बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं, 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 अरे बाप रे, बहुत जोर से लग गई। मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा इस आइस गॉड को पूरी तरह से हराने का और उसकी एलिमेंटल पावर चुराने का। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मेरी बात सुन। क्या हुआ टोनी स्टार्क? ओह माय गॉड, अबे फ्रैंकलिन सॉरी, मुझे माफ कर दे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि असल में मैं आइस गॉड से लड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ जबकि मैं तो लावा गॉड हूँ। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक अर्थ गॉड हूँ और तू एक लावा गॉड है, इसलिए हमारे पास दो एलिमेंटल पावर है और आइस गॉड के पास सिर्फ एक, इसलिए तू और मैं अपनी पावर्स को मैच करके इसको हराएंगे। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मैं अपनी गर्मी से और तू अपनी धरती से यहाँ पर पूरी तरह से तबाह कर दे इसको। ऑलराइट गाइस, अभी देखना मेरा और टोनी स्टार्क का कॉम्बिनेशन। ये देखिए, टोनी स्टार्क की गर्मी और मेरे पत्थर मतलब मेरी धरती का नेचर यहाँ पर आइस गॉड को हराएंगे। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? नहीं, मेरी दुनिया में मैं कैसे हार रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास दो एलिमेंटल पावर है। वाह गाइस देखिए, आइस गॉड की एलिमेंटल पावर्स नीचे गिर रही है। अरे वाह फ्रैंकलिन, तूने तो कमाल कर दिया यार, क्या ही आइडिया निकाला है। ऑलराइट, इस बार पावर्स मैं लूंगा, अगले वाले एलिमेंटल गॉड की तू ले लियो। ओके ओके ओके, ले ले ये मारा। अरे वाह फ्रैंकलिन, मैं तो यहाँ पे जायंट रेड आइस हल्क बस्टर गॉड बन गया हूँ। वाह कितना ऑसम लग रहा है गाइस, टोनी स्टार्क का एलिमेंटल सूट। चल फ्रैंकलिन, अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं, हमें एक और गॉड की एलिमेंटल पावर चुरानी है। उसके बाद पांचवा गॉड है, वो ऑल फादर एलिमेंटल गॉड, उसकी पावर चुरा के हम एवेंजर्स को बचाएंगे। ये कौन है सामने? ये है गॉड फादर टाइटन, अभी तक का सबसे ही ज्यादा खतरनाक और एज वाला टाइटन। माना गया है कि इसकी एज हमारी धरती से भी ज्यादा कहीं बड़ी है। ओह माय गॉड, इसकी एलिमेंटल पावर्स बहुत ऑसम होंगी ना, उनको तो मैं ही लूंगा। ठीक है फ्रैंकलिन, तू ही ले लियो, पहले इसकी एलिमेंटल पावर ढूंढते हैं। गाइस हम जाएंगे इसके मेन हेड में। ओह माय गॉड, ये कैसी वॉल है? गाइस ये तो कोई शील्ड लगती है मुझे। टोनी स्टार्क इसके अंदर जाके देख सकता है क्या? हाँ देख सकता हूँ। ओह भाई फ्रैंकलिन देख, कितनी ज्यादा कोल्ड है इसकी एलिमेंटल पावर्स। फ्रैंकलिन मैं सीधा इसके मुंह के अंदर जा रहा हूँ। ओके गाइस चलते हैं। ओह माय गॉड कितना ठंडा है ये। बिल्कुल फ्रैंकलिन, इसलिए ध्यान से रहना, यहाँ पर कोई भी खतरा हो सकता है, हमें सबसे पहले इस वॉल को तोड़ना पड़ेगा। ये ले गाइस, टोनी स्टार्क अपनी पूरी जान लगा रहा है रेड आइस एलिमेंटल पावर इस्तेमाल करके और लावा एलिमेंटल पावर इस्तेमाल करके, लेकिन मुझे नहीं लगता है काम कर रही है। मैं अपनी अर्थ की पावर इस्तेमाल करूं क्या? फ्रैंकलिन यार मुझे नहीं लगता ऐसे काम करेगा। कैसे हो तुम लोग? ये किसकी आवाज आई? ओह माय गॉड, ये कहां पर आ गया मैं? मैं हूं जायंट हगी वगिजला, मुझे भूख लगी है, क्या मैं तुम्हें खा सकता हूं? मेरे दांत देखो कितने सफेद हैं, मैं डेली ब्रश करता हूं। ओह नो गाइस, ये तो जायंट हगी वगिजला है। नहीं प्लीज मुझे मत खाओ, मैं खाने की चीज नहीं हूं, मैं एक एलिमेंटल गॉड हूं और मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। अरे चुप कर, मेरे को भूख लगी है, मैंने कितने प्यार से तुझसे पूछा और तू मुझे खुद को खाने नहीं देगा। ये ले। अरे बाप रे, मुझे यहां से भागना होगा दोस्तों, मैं इसको हरा नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फ्रैंकलिन कहां पर गया तू? गाइस ये फ्रैंकलिन एक साथ से गायब कैसे हो गया? अरे बाप रे, नहीं नहीं फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन बचा मुझे। गाइस मेरे हल्क बस्टर के सूट में कोई परेशानी आ गई है, प्लीज कमेंट में फ्रैंकलिन हेल्प लिखो। गाइस लगता है टोनी स्टार्क खतरे में, अगर टोनी स्टार्क खतरे में तो कमेंट में यस लिखो, मुझे टोनी स्टार्क को बचाना होगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस मैं इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंचूं, मेरे पास उड़ने की शक्ति नहीं है। गाइस मैं एक अर्थ एलिमेंटल गॉड हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। गाइस मैं अपनी धरती से विनती करता हूं कि वो मुझे उड़ने की ताकत दे। मजाक करता है तू, अरे बाप रे ये क्या कर दिया तूने मुझे? गाइस मैंने हगी वगी जिला को एक पेड़ में बदल दिया, लेकिन एक मिनट, मेरे पास उड़ने की शक्तियां तो आई नहीं। गाइस वापस ट्राई करता हूं। वाह गाइस मेरे पास उड़ने की शक्ति भी आ गई, क्या बात है, लगता है मैंने हगी वगी जिला की पावर छीन ली इसलिए वो पेड़ बन गया था, क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना पावरफुल हूं। चलो गाइस गॉड फादर टाइटन के मुंह के अंदर चलते हैं सीधा। नो टोनी स्टार्क, ये क्या हो गया तुझे? गाइस मैं टोनी स्टार्क को ठीक कर सकता हूं, क्योंकि धरती हमारी बहुत दयालु है, वो सबको प्यार देती है, जीवन देती है, इसलिए मैं टोनी स्टार्क को भी अपनी धरती के इस्तेमाल से, अपनी पावर्स के इस्तेमाल से, अपनी एलिमेंटल अर्थ पावर के इस्तेमाल से टोनी स्टार्क को जिंदा कर लूंगा। फ्रैंकलिन ये तूने कैसे किया? मैं तो मर चुका था, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास जो पावर है वो किसी को भी क्यों कर सकती है, इसका मतलब हम अपने एवेंजर्स को बचा सकते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन हमें गॉड फादर टाइटन की पावर चाहिए, तभी हम ऑल फादर एलिमेंटल गॉड को हरा पाएंगे। ये बात तूने सही कही। गाइस अब मैं इस वॉल को तोड़ के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये लगाए बॉम्ब और ये लगाए बॉम्ब और ये लगाए। ओके गाइस अभी ब्लास्ट होगा और ये वॉल जैसी टूटेगी हमें इसकी एलिमेंटल पावर मिल जाएंगे। नो ये काम नहीं कर रहा है, स्टार्क अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, अगर हमें एक मिलिट्री टैंक मिल जाए जिसके पास अनलिमिटेड गोलियां हो तो हम वॉल को तोड़ सकते हैं। लेकिन वो टैंक हमें कहां मिलेगा? तो चिंता मत कर, मैं अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके मिलिट्री बेस से उस टैंकर को यहां बुला लूंगा। क्या तू ऐसा कर सकता है? पता तो नहीं लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं। ओके गाइस स्टार्क ने सच में कर दिखाया। देखा फ्रैंकलिन, हमारी एलिमेंटल गॉड की पावर्स कोई आसान पावर नहीं है, बहुत खतरनाक है, इनको सीखने में भी बहुत दिमाग लगता है। कोई नहीं अब देख यहां पर इस मशीन गन का इस्तेमाल, अब मैं अपने दोस्त अवेंजर्स को बचाने के लिए इस गॉड की भी एलिमेंटल पावर ले लूंगा। वाह गाइस देखिए क्या खतरनाक टैंकर है ये, क्या ही बढ़िया तरीके से इसने वॉल को तोड़ दिया। ऑलराइट फ्रैंकलिन अब तो तैयार है यहां पर ये पावर्स लेने के लिए? बिल्कुल
तैयार हूँ। ओके गाइस, अब मैं और फ्रैंकलिन यहाँ पर गॉड फादर टाइटन की पावर्स को लेंगे और चलेंगे सीधा उस ऑल फादर एलिमेंटल गॉड के पास। ऑलराइट गाइस, ये मारा। ऑलराइट गाइस, मैं तो यहाँ पर खतरनाक आइस एंड लावा एलिमेंटल पावर से बना जायंट गॉड बन चुका हूँ। देखिए मैं कितना बड़ा हो गया हूँ गाइस। गॉड फादर टाइटन के पास आइस एंड लावा दोनों की पावर्स हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन, अरे ये क्या कर दिया तुमने, प्लीज मुझे मत मारो। ठीक है, आज के बाद कभी इंसानों को परेशान तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। वाह गाइस, गॉड फादर टाइटन को सबक भी मिल गया। आप गाइस, रह गया है वो ऑल फादर एलिमेंटल गॉड जिसने मेरे एवेंजर्स और सिंचन पिंचन चॉप को मुझसे छीन लिया। चलो गाइस, अब सीधा चलते हैं वहां पर। हमने चार गॉड्स के एलिमेंटल पावर्स चुरा लिए हैं, अब मुझे लास्ट वाले गॉड की और चुरानी है। उसके बाद मैं और टोनी स्टार्क यहां पर पांच गॉड की टोटल एलिमेंटल पावर्स चुरा लेंगे और हम बहुत ही बड़े जायंट गॉड बन जाएंगे उन पावर्स को कंबाइन करके। ये क्या, तुम लोग वापस कैसे आ गए? हम लोग वापस आए तुझे खत्म करने और अपने प्यारे एवेंजर्स को बचाने। देखिए गाइस, ये कितने मासूम थे यार, इन सभी को मार दिया, इसको बिल्कुल भी ज्यादा शर्म नहीं आई। गाइस कोई बात नहीं है, मैं इन सभी को बचा कर रहूंगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन, हम अपने सारे एवेंजर्स को बचा लेंगे, तुम किसी को नहीं बचा पाओगे, इनको मैं अभी खा जाऊंगा। ए खबरदार, तूने इनको हाथ भी लगाया तो क्या कर लेगा तू फ्रैंकलिन, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मेरी पावर्स तू नहीं चुरा पाएगा। देखिए गाइस, ऑल फादर एलिमेंटल गॉड की पावर इसके मुंह के अंदर है, मुझे बस इसके हेड में जाना होगा। फ्रैंकलिन उसकी चिंता तू मत कर, मैं यहां पर अपनी हल्क बस्टर की शक्तियों पे जाता हूं और इसके मुंह में घुस जाता हूं, बाकी तू इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर। ए अपना मुंह खोल। ये क्या कर रहा है तू, मेरे मुंह में नहीं जा सकता। फाइनली गाइस, मैं इसके मुंह के अंदर आ गया हूं। ये रही इसकी एलिमेंटल पावर। ऑलराइट गाइस, ये लास्ट पावर मैं लूंगा। ओ मेड इट फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं स्टॉक, क्या हो रहा है तुझे? लगता है जैसे कि इसने मुझे जहर दे दिया है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। नहीं मेरे दोस्त को छोड़ दे। एक मिनट गाइस, मेरे पास क्या ही पावर आई, मैंने उसको धकेल दिया, लिटरली मैं धक्का दे दिया। वाह फ्रैंकलिन तूने कमाल कर दिया। और मैंने यहां पर जैसे ही तूने उसको धक्का दिया उसकी एलिमेंटल पावर्स चुरा ली। अब ये काम करते हैं, हम इन सारी पावर्स को कंबाइन करते हैं, उसके बाद ही हम एवेंजर्स को जिंदा कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, हमने यहां पर जितने भी एग थे, जितने भी अदर गॉड्स की एलिमेंटल पावर्स थी उनको चुरा लिया है। अब सभी को गोली मार के हमें इनको कंबाइन करना है। ऑलराइट गाइस, हमने सारे एलिमेंटल गॉड्स की पावर को कंबाइन कर लिया और देखिए हम यहां पर 5 नहीं पूरे के पूरे 10 हेडेड, वो भी 5 एलिमेंटल गॉड बन चुके हैं। साथ साथ में हमारे एवेंजर्स भी जिंदा हो गए। अरे शुक्रिया, आपने भी बचाया। हल्क को भी बचाया। मुझे भी बचाया। ओडिन जी सब मुझे बचाया। मुझे भी। यही मुझे ही बचा लिए। वाह भाई साहब, थैंक यू सो मच गाइस, हम बच गए। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।